आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। और मेरा बिलीव है कि आज आप सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से बदल देगा। याद रखो, इस दुनिया में हमारा आने का मकसद परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर के बताए रास्तों पे चलना और उस मकसद और उस योजना को पूरा करना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। याद रखो, इंसान की प्लानिंग और परमेश्वर की प्लानिंग में फर्क है। संसारिक योजनाएं बनाना और आत्मिक तरीके से उन योजनाओं को देखना और परखना और जांचना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क। आज जिस वचन की मैं आपसे बात करूंगा, आज जिस वर्ड की मैं आपसे बात करूंगा, मेरा बिलीव है कि अगर ये आपके हार्ट में समा गया तो आप परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जो वचन मैं आपको पढ़ूंगा, आपके लिए स्टार्ट करूंगा, वो है मत्ती 3 उसकी 2 आयत। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। फिर से पढ़ो, दोबारा से, मन फिराओ। बोलो अपने पड़ोसी को, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब ये आयत जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो बोलने वाला व्यक्ति, ये प्रभु यीशु मसीह नहीं। लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इस वचन को समझाने से पहले मैं आपको इस मन फिराव का मतलब, इसका कारण आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि हमने बहुत बार सुना होगा मन फिराओ, लेकिन क्यों मन फिराएं? मन फिराना परमेश्वर ने हमें क्यों बोला? मन फिराने का मतलब क्या है और क्यों परमेश्वर ने हमको बोला कि हम मन फिराएं? इसके लिए मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं, जहां हम दूसरा राजा उसका 24 बाब उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जब सिद्दकिया राज्य करने लगा तो वो 21 वर्ष का था, यरूशलेम तक 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिबना वासी यर्मिया की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसे दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। अगले 25 बाब की 1 आयत से पढ़ेंगे, सिद्दकिया ने बेबिलीन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबिलोन के राजा नकूबदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, उसको घेर लिया और उसके चारों ओर पटकोटा बनाए। इस प्रकार सिद्दकिया राजा के 11वें वर्ष तक वो घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन नगर की महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। नगर की शहरपनाह में दरार की गई दोनों दीवारों के बीच, जो फाटक राजा की बारी के निकट था। उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात को भागे और कसदी नगर को, यद्यपि वो घेरे हुए थे, राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया, उसको यरीहो के पास से मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वो राजा को पकड़कर रिबला में बेबिलोन के राजा के पास ले गए और उसको दंड की आज्ञा दी गई। सिद्दकिया के पुत्रों को उसके सामने घात किया गया, सिद्दकिया की आंखें फोड़ डाली, उसको पीतल की बेड़ियों में जकड़कर बेबिलोन को ले गए। बेबिलोन के राजा नकूबदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षक के प्रधान नबूजदरान ने बेबिलोन के राजा का, जो एक कर्मचारी था, यरूशलम में आया और यहोवा के भवन, राजभवन, यरूशलम के सब घरों अर्थात हर एक बड़े घर को फूंक दिया। यरूशलम के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जितने लोग थे वो लोग बेबिलोन के राजा के पास भाग गए। साधारण जो लोग जो रह गए उन सबों को बंदी बना लिया गया। कुछ कंगालों को दाग की बारी की सेवा करने के लिए छोड़ दिया गया। मैंने ये आपके लिए वचन इसलिए पढ़ा क्योंकि इस मन फिराव को हम समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। अब मैं आपसे कुछ बात जो करूँगा, आपको बड़ा सीरियसली इसे लेना है, क्योंकि शायद आपने मन फिराव बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मन फिराव का मतलब है इंग्लिश में रिपेंट। रिपेंट शब्द बाइबल में पहली बार जब आया था, ये निर्गमन की पुस्तक 13 उसके 17 बाब में आया था। इस लाइन में जो परमेश्वर ने रिपेंट यानी मन फिराव का यूज किया, उसको इसलिए यूज किया था रिपेंट शब्द को, कि जब इजरायली जा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा, मैं इनको अलग मार्ग से लेके जाऊंगा, ऐसा ना हो कि ये रास्ते में पछताएं और वापिस चले जाएं। इस जो पहली बार बाइबल में रिपेंट शब्द आया वो था हिब्रियू 51:62 शब्द,
रिपेंट, जिसका मतलब आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, H5162, जिसका मतलब है नाखाम। नाखाम का मतलब है दैट इज ब्रीथ स्ट्रांगली बाय इम्प्लीकेशन टू बी सॉरी। लिखा नाखाम का मतलब है जैसे ठंडी सांस लेना, सॉरी करना, ठंडी सांस लेके सॉरी फील करना किसी काम के लिए जो हमने किया और हम उसके लिए पछताते हैं। यही शब्द को परमेश्वर ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया कि जब परमेश्वर ने कहा कि नीनवा के लोग अब मन फिरा चुके हैं, अब मैं अपने नाश करने की रीति से पछताता हूँ, यानी परमेश्वर रिपेंट करता है और बोलता है कि अब मैं इनको नाश नहीं करूँगा। आज जो बात मैं आपसे करूँगा वो है जो हमने अभी वचन पढ़ा यूहन्ना बपतिस्मा वाले का, कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो रिपेंट का मतलब, जब हम इसको पढ़ते हैं रिपेंट को, तो इसका मतलब है मेटानियो, ग्रीक भाषा का 3340 शब्द। इसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली, रिकंसीडर मोरली, टू फील कंपंक्शन एंड रिपेंट। कंपंक्शन का मतलब मलाल, मलाल करना, किसी चीज के लिए दुखी होना, हाँ, किसी चीज के लिए दुखी होना, मलाल करना। अब मैं आपको बताता हूं, उसने कहा मलाल करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। उसने कहा टू थिंक करो डिफरेंटली, अब अलग तरह से सोचो क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब निकट आया। जो वचन मैंने आपको पढ़ाया, आप जानते हैं ये राजा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका नाम सिद्धकिया था। जब ये राज करने लगा, 21 साल का था, 11 साल तक ये राज करता रहा और वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इसराइलियों को बाहर निकाला तो परमेश्वर ये चाहता था कि उनका कोई भी राजा ना हो, कोई पॉलिटिकल लीडर ना हो, बल्कि ये आत्मिक लोगों के सहारे चले। पर बाइबल कहती है उन लोगों ने दूसरे लोगों की तरह एक लीडर मांगा और परमेश्वर नाराज हुआ, लेकिन बाद में उनकी प्रार्थना को सुनके शाउल को उनके ऊपर निर्धारित कर दिया। जब शाउल राज्य करने लगा, 2 साल तक उसने अच्छा राज किया, खुदावंत की आत्मा से चला। उसके बाद बाइबल कहती वो गिर गया और उसके बाद परमेश्वर ने शाउल की जगह दाऊद को उठाया और उसके स्थान पर बाइबल कहती दाऊद कुछ सालों के बाद राजा बनाया गया। जब दाऊद 30 साल का था वो यहूदा पर राजा बना, जब 37.5 का था तो इसराइल पर पूरे राजा बना। अब परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा अपने लोगों को चेताया, अपने लोगों को अपने राज पर चलाया और दाऊद को बोला कि अगर ये लोग मेरी आराधना करें, मेरे सामने दीन बने, अगर ये मूर्ति पूजा में और गुनाहों में ना जाएं, तो मैं इनको हमेशा ध्यान में रखूंगा। अगर तू भी पवित्रताई में रहे और मेरे वचनों में रहे तो तेरे वंश पर मैं अपनी दया को कभी ना हटाऊंगा। पर हम बाइबल में क्या देखते हैं कि जब सुलेमान मरा, उसके बेटे ने राज करना शुरू किया और उसके बाद कोई राजा अच्छा करता था, कोई राजा बुरा करता था। जब वो अच्छा करता था तो इज़राइल पनपता था, जब वो बुरा करते थे तो दूसरे राजा उन पर हमला करते थे। हुआ क्या तब? तब ये हुआ कि परमेश्वर का क्रोध, जैसे एक सजा परमेश्वर ने दी, तूने गलत काम किया, जा दरवाजे के बाहर जाके मुर्गा बन जा, जैसे टीचर्स बोलते हैं, मुर्गा बना दिया, बाहर खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर करके जैसे स्कूलों में होता, खड़ा कर दिया। हाँ, अब ध्यान से सुनो, एक सजा मिल गई, ओके, आपको सजा दे दी गई, पर परमेश्वर ये सजा देता रहा उन्हें और उन्हें राजाओं के अधीन करता रहा, विरोधी राजाओं के अधीन करता रहा, उनकी ब्लेसिंग्स को कम करता रहा, लेकिन उनको त्यागा कभी नहीं। और परमेश्वर उन्हें मौका देता रहा कि मन फिराओ, अभी भी मन फिराओ, अभी भी मन फिराओ। और बाइबल ऐसा कहती, परमेश्वर ने एलिया को इसी दौरान भेजा, अलीशा को इसी दौरान भेजा, लोगों के ऊपर उन्होंने साबित किया आसमान से आग उतार के कि परमेश्वर सच्चा है और तुम इसी परमेश्वर की आराधना करो। बहुत से मिरेकल्स हुए, नमान कोड़ी के जैसे, सारपत की विधवाओं के जैसे, शुनेम वासी औरत के बेटे को मिलना, फिर उसके मुर्दा बेटे को जिंदा करना। सो मैनी मिरेकल्स इन द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, सो मैनी, इतने मिरेकल्स थे कि ये काफी थे लोगों को विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर जीवित है और हमें मन फिरा के अब परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। पर बाइबल इस तरह से कहती, इतने बड़े चमत्कारों को देखने के बाद भी, कि इतने
समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, बहुत से कार्य उन्होंने देखे होते हुए, पर आप क्या जानते इतने कामों के होने के बाद भी उन्होंने मन नहीं फिराया। और जब राजा बुरा आता था तो सब लोग उसी बुरी चाल पे चलते थे, उन्हीं देवियों के बाइबल कहती है कि अशेरा के पीछे चलते थे, उन्हीं मूर्तों के पीछे चलते थे, उन्हीं उसी व्यभिचार को करते थे। और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि मैं कब तक इनको सजा दूंगा, इनको अब मन फिरा लेना चाहिए। अब हुआ क्या, अब जैसे बोलते हैं कि अति हो गई, एक स्टूडेंट को हमने सजा दी कि चल मुर्गा बन जा, अब वो मुर्गा बनने से भी बाज नहीं है, आपको बोला चल भाग जाओ और ग्राउंड में हाथ ऊपर करके चक्कर लगा, अब हाथ ऊपर करके चक्कर लगा लिया, उसके पेरेंट्स को बुला लिया, उसको समझा लिया, उसको बड़ी सजा दे दी, एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, अगर वो फिर भी नहीं सुधरा तो क्या किया, उसको स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया, निकाल दिया। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं, ये लास्ट राजा है बाइबल का। इसके बाद बहुत से राजा हुए होंगे, लेकिन ये दूसरा राजा का अंत है। जब सिदकिया राजा हुआ, बाइबल कहती इसने मन नहीं फिराया और इसने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। जब बेबीलोन के राजा से बलवा किया तो सिदकिया के पास यहोवा के कुछ नबी रहते थे, और बाइबल ऐसा बयान करती है कि वो यहोवा के नबी करप्ट थे, पर्सनल गेन के लिए खड़े हुए थे, सिर्फ राजा को पॉजिटिव मैसेजेस देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मिरेकल्स हो जाएंगे, तुम बरकत पा जाओगे, तुम आशीष पा जाओगे, सब कुछ खुलने वाला है, सब रास्ते खुल जाएंगे, इस तरह से। पर राजा को रिपेंटेंस का मैसेज उन्होंने कभी नहीं दिया, और जब रिपेंटेंस का मैसेज राजा को नहीं मिला तो राजा जब बेबीलोन के राजा से लड़ने के लिए गया और बलवा करने के लिए गया, तो राजाओं को यह मालूम होता था कि जब किसी दूसरे राजा से लड़ना है तो वो यहोवा के नबियों से पूछते थे, और बाइबल कहती यर्मिया नबी से वो कभी नहीं पूछता था, खुदावंत के सच्चे नबी जो थोड़े होते थे उनसे वो कभी नहीं पूछता था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये हमेशा रिपेंटेंस की बात करेगा, ये तौबा की बात करेगा, ये पवित्रता की बात करेगा, हमने इससे बात ही नहीं करनी, हम उससे बात करेंगे जो हमारे लिए पॉजिटिव बोलता है, जो ब्लेसिंग्स के मैसेज देता है, हम उससे बात करेंगे। और जब उन नबियों से बात की गई, उन्होंने कहा राजा चिंता मत कर, खुदावंत बड़े काम करने जा रहा है तेरे जिंदगी में, बड़े काम करने जा रहा है। और वो जब बेबीलोन के राजा से लड़ने के लिए गया, जब बलवा किया तो बेबीलोन के राजा ने नगर घेर लिया, नगर जब घिरा तो सारी सप्लाई चर्च आनी बंद हो गई, नगर में फूड सप्लाई, चीजों की सप्लाई, कपड़ों की सप्लाई सब बंद हो गया, और लगा लिखा महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग भागने लगे, और शहर पनाह में दरार की गई, क्योंकि यरूशलम के चारों ओर शहर पनाह थी, उसमें दरार करके राजा अपने लोगों समेत भागा, लेकिन दूसरे लोगों को मालूम हुआ, उन्होंने राजा का पीछा किया, पीछा करके उसे पकड़ा, और बेबीलोन के राजा के उन्हें पकड़ा के अधीन कर दिया, उसके बेटों को खत्म कर दिया गया, उसकी आंखें फोड़ डाली गई। और बाइबल कहती यरूशलम की शहरपना, जो हम सुनते हैं नहेमिया की पुस्तक में, आप जानते नहेमिया ने वो शहरपना बनाई थी, और जब वो शहरपना कब नाश की गई, इसी सिदकिया राजा के टाइम पे, और बाइबल कहती बड़े घरों को उन्होंने आग लगा के फूंक दिया, यहां तक कि परमेश्वर के भवन को भी आग लगाकर फूंक दिया गया। ये वो टाइम था जब परमेश्वर ने अपने स्टूडेंट्स को मान लो निकाल दिया, रेस्टिगेट कर दिया। वो विलंब करने में धीरजवंत है, बाइबल कहती उसने धीरे धीरे सजा दी उनको, उनको सजा दी, उनको बताया देखो तुम अंडर हो गए हो, तुम मुश्किल में आ गए हो, तुम दुखी हो गए हो, तुम दूसरे राजाओं के नीचे आ गए, तुम्हारी जिंदगी दुखी हो गई, तुम्हारी जिंदगी ऐसे होने के लिए मैंने तुमको अपने पास नहीं बुलाया। लेकिन वो लोग जब नहीं सुधरे और डाउन और डाउन, और अब ये वर्स्ट कंडीशन थी कि अब परमेश्वर के लोग दूसरे देश में थे, अपने देश में अधीन नहीं थे, कि हम हैं अपने देश में अपने घरों में, लेकिन दूसरा गवर्नमेंट चेंज हो गया, बाहर का राजा प्रभुता करता है, हाँ ठीक ठीक चल रहा है, सब ठीक है। पर अब लिखा उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया, और जब लोगों को बंदी बना के ले जाया जाता था तो कौन से काम वो करते थे, ईंटें बनाने का काम, दुखी करने वाला काम, जो काम दुखी होने वाले थे। अगर आप अरब कंट्रियों में चले जाओ, आपको वहां कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको शेख नहीं मिलेगा, बहुत कम होंगे, सारे शेख आपको इमिग्रेशन में मिलेंगे, पुलिस में मिलेंगे, डिपार्टमेंट में मिलेंगे, सरकारी कामों में मिलेंगे। और उसी तरह से यहूदी थे, वो अपने देश में बड़े कार्य करते थे, लेकिन जब उनको बंदी बना के ले जाया गया तब वो कार्य करने लगे जो उनके अनुकूल नहीं थे। और रीजन क्या था, मन ना फिराना। हम फिर पढ़ेंगे इस मन फिराने के शब्द जी 3340, इसको हम पढ़ेंगे अभी फिर से। इसमें लिखा टू थिंक डिफरेंटली। रिपेंट शब्द बाइबल में चार तरह का यूज किया गया।
एक बार इसको यूज किया गया, ठंडी सांस भरना, किसी चीज के लिए सॉरी फील करना, यह परमेश्वर भी ऐसा करता है, सॉरी फील करता है कि नहीं अब मैं इनको नाश नहीं करूंगा। दूसरी बार यूज किया गया कि मलाल महसूस करना, फिर यूज किया गया केयर आफ्टरवर्ड्स, कि तौबा करने बाद केयर करना कि नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगा, परमेश्वर की ओर वापस मुड़ना, इसको भी यूज किया गया। इसका मतलब क्या, मैंने आपको इसलिए मैं चीजें कह रहा हूं, मन फिराओ, क्योंकि आज अगर मुसीबतों का कोई कारण है तो वो पाप। अब इज़राइल के लोगों को लगता था अब हमारा राज्य कम हो गया, हमारी बरकतें कम हो गई, इंडिविजुअली उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी, बड़े अकाल वो फेस करते थे, बड़े राजाओं का, दूसरे राजाओं का वो युद्ध फेस करते थे, जब युद्ध होता था तो उन्हीं के लोग मरते थे, सैनिक मरते, बहुत सी चीजें उनकी लाइफ में हो रही थी, पर फिर भी मन नहीं फिराया। और जैसे गधे जाते हैं कि गधों की तरह चलते गए, लिखा जैसे मूर्ख, जैसे जैसे बकरा कसाई के हाथ में गधों की तरह घास चरता हुआ बेफिक्र जाता कि घास मिल रही, कहता उसी मूड की तरह तुम मत बनो और रिकंसीडर योरसेल्फ, कहता कंपंक्शन यानी मलाल फील करो और रिपेंट करो, थिंक डिफरेंटली और वापिस आ जाओ। क्यों? जब इन लोगों ने सजा ली, एक सजा के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, फिर भी ये सुधरे नहीं, और बाइबल कहती परमेश्वर इतना नाराज हुआ कि उसने अपने भवन को फुकवा दी, उसने यरूशलम का सारी महिमा मिट्टी में मिला दी, उसकी शहरपनाह जिसकी बातें होती थी उसको गिरा दिया, उसके फाटक जला दिए गए, बड़े घर जिसे फार्म हाउस, कोठियां बड़ी बड़ी किसी शहर की, सुंदर सुंदर घर बड़ी कोठियां जला दी गई, लोगों को ले गए, सिर्फ गरीब लोगों को वहां रख दिया कि भाई तू दाग की बारी की रक्षा करेगा, तू ये फलों का बाग है इसकी रक्षा करेगा, तू ये खेत में मजदूरी करेगा और इसकी इसकी फसल हमें देगा, और सब रईसों को वो ले गए। अगर वो मन फिराते तो ये कभी ना होता, उनको लगता था अब इससे बुरा और क्या हो सकता है, अब इससे बुरा और क्या हो सकता है, अच्छा मैं पाप कर बैठा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली ट्रबल है, अब लेकिन इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है उससे बुरा हुआ कि वो सब लोग सारी महिमा को मिट्टी में मिलता वो उन्होंने देखा, यरूशलम की, अपने पुरखाओं के इतिहास, खुदा का आशीष पाया हुआ, उसका उसका बादल पाया हुआ, उसकी हुजूरी पाया हुआ भवन परमेश्वर ने खुद अलाउ किया कि वो खत्म कर दिया जाए, वहां के सब सोने और चांदी के बर्तन ले लिए गए, और यहां तक भी कि शहरपनाह, उसके बेड़े, उसके फाटक, उसके पल्ले, उसकी उसकी चार दीवारी, उसके बड़े घर, परमेश्वर का घर, सारा कुछ फूंक दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया। आप जानते यूहन्ना ने कैसे शुरू किया अपना प्रचार, मन फिराओ, और आप जानते प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शुरू किया अपने प्रचार को, जब यीशु मसीह ने पहली बार प्रचार किया, मत्ती 4 में हम पढ़ते हैं, उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा, मन फिराओ। ये कोई मन फिराने का प्रचार जो पास्टर्स लोग और खुदावंद के लोग जो करते हैं, ये इसलिए नहीं कि आपकी लाइफ को बोरिंग करने के लिए, इसलिए नहीं कि आप बोर हो जाओ, आप वो व्हाइट कपड़े डाल लो, पहाड़ों में चले जाओ, को दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं, नो, इसलिए कि जो नाश शैतान ने आपके लिए सोचा है, आपकी फैमिली का, आपके फाइनेंस का, परमेश्वर उसको आपको बचाना चाहता है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन, उस समय से यीशु ने ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराने के लिए क्यों परमेश्वर ने बार बार बोला, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि डिस्ट्रक्शन हो, और ऐसी डिस्ट्रक्शन हो जिसको काबू करना मुश्किल हो जाए, जिसको कवर करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है परमेश्वर उसे सजा देता है, वो सजा थोड़ी होती, परमेश्वर चाहता है कि ये सजा को देखे और वापस मुड़ाए, वो आपको नाश नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप में नहीं है या परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो आपके दायरे को कम करता है, लेकिन जब आप नहीं सुधरते तो एंड परमेश्वर के पास और कोई तरीका नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो अपराधी ठहराया जाएगा और अनंत विनाश को वो भोगेगा। वो यहां भी शुरू होगा विनाश और वहां भी। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है और मन फिराता है, वो सिर्फ स्वर्ग का जीवन नहीं पाता, वो अनंत जीवन तो पाता ही है जो सबसे उत्तम है, इस धरती पर भी उसका स्वर्गीय जीवन शुरू हो जाता है।
उसकी बरकतें, उसकी आत्मिक, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक बरकतें उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती जब वो परमेश्वर को मानता है। इसीलिए कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। पौलुस ने मन फिराने के बारे में कहा, पत्रस ने भी यही प्रीच किया कि मन फिराओ और लौट आओ, यानी रिकंसिडर योरसेल्फ, गो बैक, वहीं जाओ जहां से तुम बिलोंग करते थे, यानी परमेश्वर के पास। कंसीडर करो, अपने आप को जांचो और परखो, मलाल फील करो और वहीं चले जाओ, यानी यीशु मसीह के पास, और आगे से केयर करो। इसलिए परमेश्वर ने तौबा के लिए सिर्फ एक वर्ड का यूज नहीं किया। एक तौबा को यूज किया गया कंपंक्शन, मलाल फील करना। एक तौबा को यूज किया टू केयर आफ्टरवर्ड्स, कि तौबा करने का मतलब यह है कि मलाल फील करो, पाप की गलती को मानो, उसको मलाल करके उसको छोड़ो, और देन केयर आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद केयर करो। दोनों शब्दों को दोबारा पढ़ेंगे हम, जी 33:40, मेटा नियो, जिसका मतलब है रिकंसीडर, यानी अपने सोचो ध्यान से तुम क्या कर रहे हो और वापिस चले जाओ, एंड कंपंक्शन, मोरली टू फील कंपंक्शन, यानी मलाल फील करो, और उसके बाद लिखा रिपेंट, यानी तौबा करो। और दो बार ये शब्द यूज, दो अलग अलग शब्द यूज किए गए नए नियम में रिपेंट के लिए। दूसरा शब्द हम पढ़ेंगे मेटा मेलोमाई, जिसका मतलब है टू केयर आफ्टरवर्ड्स, दैट्स इट, यानी पहले मलाल महसूस करो, गिल्टी फील करो, तौबा करो, देन तौबा करने के बाद केयर आफ्टरवर्ड्स, यानी उसके बाद केयर करनी। जैसे गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट कर दिया जानबूझ के, तेज चला के गाड़ी पे डेंट पड़ गया, मलाल फील हुआ, अब मलाल करके क्या करना, गाड़ी ठीक कराना, और उसके बाद केयर आफ्टरवर्ड्स, गाड़ी फिर तेज नहीं चलाना। उसी तरह इसलिए बोला गया, मैंने आपको सिदकिय्याह राजा इसलिए पढ़ाया, जब आप तौबा में नहीं होते, मोस्टली आप फेक लोगों की संगति में चले जाते, फेक प्रॉफिट्स, फेक लोग, फेक विश्वासी, गलत संगति में आप चले, ये तौबा ना होने की निशानी। जब आप तौबा में नहीं होते, सडनली आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होती जिनको आत्मिक चीजों की परवाह नहीं, जो आशीष लेना चाहते, बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाए, दैट्स इट। उनको तौबा से कोई मतलब नहीं, अपने लोगों की तौबा से कोई मतलब नहीं, अपने करैक्टर से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते या नहीं, उन्हें सिर्फ मतलब है तो ब्लेसिंग्स के साथ, जो सिदकिय्याह राजा के साथ हुआ। जब आप तौबा में नहीं होते तो बाइबल कहती परमेश्वर ऐसी आत्मा को भेजता है कि जो अपने झूठे नबियों से झूठ बुलवा के लोगों को झूठा तसल्ली और झूठा सहारा देती और उनको विनाश की ओर लेके जाती। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और तुझे धोखा कभी नहीं दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर धोखा देता है, आप जानते हैं परमेश्वर कत्ल भी करता है, वो धोखा भी देता है। क्यों? अगर आप, परमेश्वर ने कहा तूने कत्ल किया तो मैं वही तेरे साथ करूंगा। अगर दाऊद ने कत्ल किया तो परमेश्वर ने कहा तलवार मैं तेरे घर पर चलाऊंगा। अगर दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने सजा दी। सोचो एक बात ध्यान से, इसीलिए वो सिदकिय्याह बेबीलोन के राजा के खिलाफ लड़ने लगा। उसे लगा यहोवा के नबियों ने बड़ा अच्छा बोला है, क्योंकि वो राजाओं से पैसा चाहते थे कि दो चार प्रोफेसी मारेंगे, राजा जी गिफ्ट लेके आएंगे, ओके। लेकिन जो असली नबी थे वो उनको डायरेक्ट बात बताते थे, क्या चक्कर है तुम्हारा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। उनको लगता था ये हमारे खिलाफ ही बोलता है हर वक्त, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तुम्हें ऐसा नहीं करना, परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना है ताकि तुम्हें बरकत मिले, तुम्हें इस मूर्ति पूजा में नहीं जाना, तुम्हें इस पाप में नहीं जाना, तुम्हें यहोवा के बातों को, उसके व्यवस्था को मानना है। ये बातों का प्रचार वो नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं था। खुद भी वो औरतों के साथ सोना, खुद भी व्यभिचार करना, ये उनकी लाइफ का हिस्सा था, और वो नहीं चाहते थे ऐसा कोई भी काम करना जिससे राजा को डिसकंफर्ट फील हो। पर जो यहोवा के सच्चे नबी थे वो सच्चा मैसेज देते थे। आज एक बंदा अगर बिगड़ गया, वो ये मत सोचे कि उसकी लाइफ में जो खराब हो गया बस यही है और वो बिगड़ा रहे, क्योंकि उसके बाद हालत बुरी होने वाली और बुरी होने वाली और बुरी होने वाली। सोचो 38 साल का रोगी, उसका फैमिली लाइफ खराब हो चुका। यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता परमेश्वर मेरे पास कोई बंदा नहीं जो मेरे पास रहे। आप सोचो कितनी देर बाद वो पानी हिलता था जब स्वर्गदूत हिलाते थे और बीमार उतरते थे, और जो पहले उतरता था वो चंगा होता था, कितनी देर बाद होता होगा? 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद? आप सोचो एक इंसान के 200 रिश्तेदार होते हैं
मैं कहता चलो एक इंसान के 200 नहीं है, वो बहुत माड़ा बंदा है, उसके 100 होते हैं। मैं सोचता हूँ चलो माड़े से ही माड़ा है, उसके 50 होते हैं। मैं कहता हूँ वो कख नहीं है, कुछ नहीं है, 30 तो होंगे ना उसके। सोचो अगर एक बंदा भी जिम्मेवारी ले कि भाई मैं तेरे पास एक दिन पूरा आऊंगा, 30 दिन के बाद आता ना हर रिश्तेदार तेरे पास एक दिन आएगा, या दो रिश्तेदार आएंगे 15 दिन में एक दिन हम तुझे दे देंगे। अगर 60 रिश्तेदार हो भाई 30 दिन में दो दो रिश्तेदार आएंगे, सिर्फ एक महीने में एक दिन तुझको दे देंगे हम, और जब पानी उतरे तो उसको उठा के चंगा कर दिया। उसके पास एक जन नहीं था, बाइबल कहती, जो उसके पास रुक सके। उसका परिवार खत्म हो चुका था, शरीर हिल नहीं सकता था, फाइनेंस खत्म हो चुका था। इससे भी बुरी हालत क्या हो सकती है? क्या बताओ, इससे बुरी हालत और क्या हो सकती? मेरे को तो पता नहीं क्या हो सकती, लेकिन यीशु मसीह ने कहता इससे भी बुरी हालत में तू फंस जाएगा अगर फिर से पाप करे। आज जो लोग नशा बेच रहे हैं, जो लोग व्यभिचार करके बैठे, सोचते हैं अब और क्या, अब तो खत्म हो गया, अब और क्या। अरे ये तो शुरू है, ये तो अभी मुर्गा बनाया है, ये तो अभी हाथ खड़े किए, अभी तो रेस्टिगेट नहीं किया। और परमेश्वर ने कहा मन फिराओ, मलाल करो, देन केयर आफ्टरवर्ड्स, फिर उस पाप में मत जाओ। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको दुखी करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं वो आपको बोर करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कुछ चाहता है, इसका मतलब ये कि जो डिस्ट्रक्शन, जो विनाश शैतान सोच के बैठा आपके बच्चों का, आपके फाइनेंस का, आपके शरीर का, वो ना कर पाए। ऐसे लोगों की मैं स्टोरी सुनता हूं, सुन के इतना दुख होता है। पास्टर्स, सेवा चल रही, काम हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया, माफ ही नहीं कर पाए लोगों को, कड़वापन दिल में, लड़ाई झगड़ा, शरेआम अटैक हो रहे, किसी को कोई पैरालाइज का अटैक हो गया, खत्म हो गया। परमेश्वर कहता मन फिराओ। अगर अभी भी कड़वी चीज हम लोगों के लिए अपने दिल में रखेंगे, चाहे वो किसी भी तरह के क्यों ना, सुनो आप बुरे लोगों को अपने जीवन से दूर कर सकते हो, पर उनके बारे में बात मत करो, उनके बारे में बुरा मत बोलो। आपको जो अच्छा लगता आप वो करो। और इन चीजों से आत्मा की भरपूरी की कमी होती, इन चीजों से अब हम शैतान को अलाउ करते कि वो हमारी लाइफ में काम करे। रिपेंटेंस, रिकंसीडर, सोचना फिर से अपनी लाइफ के बारे में, कंपंक्शन, मॉरली टू फील कंपंक्शन, मतलब मॉरली, नैतिक तौर के ऊपर मलाल फील करना, रिपेंट करना, तौबा करके, उसके बाद केयर आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद केयर कर कि फिर से उन गुनाहों में ना जाएं। बाइबल कहती जो तंग रास्ते पे चलेंगे वो परमेश्वर के, और बहुत कम है जो उसे पाते हैं। और बाइबल कहती परमेश्वर के मार्गों में है वो तंग, पर उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ये उत्तम पदार्थ खुले रास्तों में नहीं मिलेंगे। ये डरपोक लोग जो यीशु मसीह को ओपनली कबूल नहीं कर पाते, ये वचन उन लोगों के लिए नहीं। तंग रास्ते पे चलना, जो लोग इसलिए चोरी चोरी मान रहे हैं और आज भी चोरी चोरी देख रहे हैं कि मेरी पत्नी ना मुझे देख ले, मेरा भाई ना मुझे देख ले। वैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल कहती तू मेरा इनकार करेगा, तू शर्म खाएगा मुझे अपना कहने से, मुझे भी शर्म आएगी तुझे अपना कहने। लिखा तौबा कर, डरना नहीं, कौन विरोधी होगा, कौन क्या कहेगा, क्योंकि हमें उत्तम मार्गों पे चलना है, हमें तंग रास्ते पे चलना है जहां उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और क्यों परमेश्वर ऐसा करने के लिए कहता है? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जीवन में वो बरकतें हों, वो छुटकारा हो जो परमेश्वर इसराइलियों का चाहता था। वो चाहता था कि इज़राइल छुटकारे में रहे, आसपास के सब राजाओं को जीतकर उस गढ़ में रहे जो परमेश्वर ने देगा। कोई अकाल नहीं, कोई महामारी नहीं, कोई महारोग वहां नहीं था, लेकिन उन लोगों ने बाइबल कहती पाप के रास्ते को चुना। परमेश्वर ने सजा दी, पनिश किया, सुधर गए, फिर पनिश किया, फिर थोड़ा सुधरे, फिर लंबा बिगड़ गए, और परमेश्वर ने धीरे 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 अपने मन को फिर तैयार किया कि अब मैं जब तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। और आप जानते हैं जब यह सजा उन पे आई और वो रिजेक्ट कर दिए गए, परमेश्वर का भवन फूंक दिया गया, और जब 70 साल बीत गए तो फिर उन लोगों ने रो रो के उस बुरी तरह से तौबा की जो आज तक कभी नहीं हुई थी। और बाइबल कहती परमेश्वर ने फिर से बेबीलोन के राजा के से छुड़ा के उन्हें वापस यरूशलेम में भेजा, और बाइबल कहती उनके लिए अच्छे अगुए ठहराए, क्योंकि हर काम के लिए परमेश्वर इंसान का प्रयोग करता है। वो अकेला कर सकता है, लेकिन वो धरती पे करता नहीं जब तक इंसान शामिल ना हो। ये परमेश्वर का, जिसे आप कह लो कि बड़प्पन है, ये उसका हार्ट है कि वो इंसान से प्यार करता है।
और बाइबल कहती उनको अगुवे दिए गए, अच्छे अगुवे दिए गए जिन्होंने उसकी अगुवाई की, उनको अच्छे याजक दिए गए एजरा के जैसे, उनको अच्छे लोग दिए गए नहेम्या के जैसे, जो वापस आए और फिर से यरूशलम की शहरपना को बनाया गया, घरों को बनाया गया, फाटकों को बनाया गया और परमेश्वर के भवन को बनाया गया। भवन बनने में रुकावटें आईं, फाटक बनने में रुकावटें आईं, लेकिन फाटक शहरपना जल्दी तैयार हुई और भवन को फिर से कुछ साल लगे। यानी तौबा में इंसान जिस मर्जी निचले लेवल पे क्यों ना हो, परमेश्वर से फिर से खड़ा कर सकता। जानते कौन कौन मूर्ख है जो परमेश्वर के अनदेखे हाथ को और स्पिरिचुअली घटनाएं जो उनके आसपास हो रही है ना समझे। कोई लाइफ में आपको घटना हुई, आप स्पिरिचुअली उसको समझते हो कैसे कि मैं परमेश्वर के साथ क्या तौबा में हूं। अगर मैं तौबा में हूं, अगर मैं राइट रास्ते पे हूं, तो आप जांचते हो कि ये प्रॉब्लम किधर से आई या शैतान गेम खेलने की कोशिश कर। लेकिन कुछ लोग जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी ग्रेस से और उनकी लाइफ से बरकतें जाने लगती, अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो आगे टाइम और बुरा है। लेकिन जब वो अनदेखे हाथ को परमेश्वर को चाहे वो सजा का हो चाहे आशीष का हो देख लेते और परख लेते हैं कि ये आशीष तब थी जब मैं ग्रेस में था, क्यों ना मैं फिर से ग्रेस में जाऊं, और जब वो फैसला करते हैं फिर से ग्रेस में जाने का, वो ब्लेसिंग्स फिर से परमेश्वर देता है और उनको तब समझ आती कि हाँ ये परमेश्वर कर रहा था। लेकिन अगर वो मन मोटा कर लें, जैसे चमड़ा होता है गेंडे का मोटा मन, उस पर छोटी मोटी सुई काम नहीं करती, उनको छोटी मोटी दिखते लगती है ये तो सबके साथ है, वो क्रिश्चियन है उसके साथ भी तो है। अरे उस क्रिश्चियन की हो सकता है उसको बरकत देने के लिए, उस क्रिश्चियन की वो प्रॉब्लम हो सकता है उसको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए, लेकिन तुम्हारी हो सकता है तुम्हें डाउन लेके जाने के लिए। उसको जांचने के लिए मैं इस तरह से देखूंगा कि क्या मैं तौबा में हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मेरी प्रॉब्लम कतई मुझे ब्लेस करने के लिए नहीं। रब जो करता ना चंगा ही करता, ये मैंने लोगों की फेसबुक पे लिखा है, ये बड़ी डंब बात है, ऐसा नहीं है। वो उनके साथ अच्छा करता है जो उसके प्लान के अंदर फिट है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो यहोवा की इच्छा उसके प्लान के अंदर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार फिट हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए नहीं जो हर जगह जाते फिरते हैं। तो जब ये वचन समझते हैं कि आज अगर मैं डाउन हूं तो मुझे अब सुधरना चाहिए नहीं, क्योंकि अगला टाइम अगली पौड़ी और डाउन, उससे और डाउन है और बाद में छप्पड़ भी है गंदा, तो मुझे क्या करना है। पौड़ियां मूर्ख की तरह, भोंदू की तरह, गधे की तरह के जाते जाना है सीढ़ियां नीचे, या कभी फैसला करना है रिकंसीडर एंड कंपंक्शन, मलाल करके केयर आफ्टर वर्ड जरूर ऊपर जाना शुरू कर और प्रभु से फिर से मेल मिलाप करना। और याद रखो, अगर आप तौबा में नहीं तो आपकी संगति ऑटोमेटिकली फेक लोगों के साथ हो जाएगी, और अगर आप तौबा में हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम में हैं, ज्यादा चुस्त मत बनो परमेश्वर के सामने। बकरियां इसलिए प्रभु ने कहा मेरे बाहिने हाथ खड़ी, उसको बकरियों से कोई दुश्मनी नहीं, पर बकरियां उसने टर्म वर्ड इसलिए यूज किया, बकरियां चलाक होती है अपने अगुए से कहीं अधिक, लेकिन भेड़ों को हमेशा अगुए की जरूरत होती है क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं देख सकती। बकरियां दूर भी देख सकती, पेड़ों पर चढ़ सकती, बेरी पर चढ़ के बेर खा सकती, कुछ भी कर सकती, वो फ्री होती, लेकिन भेड़ें पूरी तरह से डिपेंडेंट होती। बकरियों को बाल कटवाने की जरूरत नहीं, भेड़ों के अगर बाल ना काटो तो वो दिखना बंद होता, उनका वेट इतना होता वो आगे नहीं बढ़ सकती, उनके बाल काटने जरूरी होते, उनको कंप्लीटली अगुए की जरूरत है। और परमेश्वर ने आपको भेड़ बनाया, आपको बकरी नहीं बनाया। ये वर्ड सुनो और ध्यान से समझो। परमेश्वर ने कहा रिपेंट, मन फिराओ, मॉरली फील कंपंक्शन यानी मलाल फील करो, थिंकिंग को चेंज करो और उसके बाद केयर करो, केयर आफ्टरवर्ड्स। क्योंकि सिदकिया राजा के टाइम में जब एक बंदा सही तरह से प्रभु के साथ नहीं चलता, रॉन्ग संगतियां, रॉन्ग सलाह देने वाले, रॉन्ग लोग उसकी लाइफ में एंटर करते। वो सिदकिया ने फैसला लिया, उसकी लाइफ सेम नहीं थी, उसके बच्चे मर गए, आंखें फोड़ दी गई, खत्म हो गया सब कुछ, भवन जल गया, शहरपना जल गई, फाटक जला दिए गए, घर फूंक दिए गए, सबको बंदी बना लिया गया और 70 साल वो मजदूरों की तरह रहे। आज सुधरना है और रिपेंट करना है। ये सब बरकतें, ये मिरेकल्स हों, ये आशीष हों, ये वीजे हों, ये दुनिया की तमाम आशीषें हों, ये आप लोगों के लिए बनाई गई। परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद आदम बनाया, सब चीजों को के बाद आदम बना, आपके लिए सारी आशीषें बनने के बाद आपको बनाया गया। आपको पैदा भी नहीं किया था, खुदावन ने आपके लिए सारे इंतजाम कर दिए थे। आज भी ऐसा ही है, आपके लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं। अगर अमेरिका आपके लिए बेस्ट है आप वहीं पे होंगे, अगर इंडिया बेस्ट है तो आप यहीं पे। प्रॉब्लम ये, क्या हम तौबा में हैं कि नहीं,
क्या हमने तौबा की है कि नहीं, अपने पापों से मन फिराया कि नहीं, और उसके बाद केयर की है नहीं। बाइबल कहती है कि तौबा करके बिगड़ने वाला मनुष्य उस नमक के समान है जिसमें मिलावट हो गई हो और वो साफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप तौबा कर लें और ना बिगड़े तो फिर आप लोगों के लिए बरकत बनेंगे, घर के लिए बरकत बनेंगे, अपने लिए बरकत बनेंगे, और हर वो ब्लेसिंग, हर वो मिरेकल, हर वो ब्रेक थ्रू जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ आपकी लाइफ में वो एंटर करेगा विद गॉड्स टाइम, नॉट योर टाइम। रिमेंबर योर टाइम एंड गॉड्स टाइम, दे बोथ आर डिफरेंट। आपका समय अभी परमेश्वर का कहता नहीं ये 3 साल बाद होगा, आपका समय अभी पर बहुत उत्तेजित है आप, बहुत जल्दी है, बड़ी इमोशनल डिस्टर्बेंस है, परमेश्वर कहता है नहीं 10 साल बाद। आप कहते हो नहीं ये काम मेरा 3 साल में हो जाना चाहिए, परमेश्वर कहता है नहीं ये 2 महीने में होगा। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। कभी किसी को देख के पाप में वो आशीष ले रहा है मत घुसो, क्योंकि किसी की तनख्वाह महीने में आती तो कोई कंपनी साल बाद देती है। पाप की मजदूरी मौत है, आनी जरूर है किसी को अभी तो किसी को बाद। सुधर जाओ, और बाइबल कहती है जब तुम सुधर जाओ ऑटोमेटिकली गॉड्स प्लान, गॉड्स फ्रूट, क्योंकि आप दाखलता के साथ जुड़ गए हो, अब परमेश्वर आपकी लाइफ में वो देना शुरू करेगा ऑटोमेटिकली। वो आपका पॉलिटिकल कैरियर हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपका जॉब हो, वो आपकी लाइफ हो, वो आपकी हीलिंग हो, वो आपकी डिलीवरेंस हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो उतरते जाएंगे मक्खन की तरह। ऐसे स्मूथली सब कुछ होगा, आप हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सिर्फ इसलिए कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ। लोग 100 मेहनत करेंगे और 10 खाएंगे, आप 10 मेहनत करेंगे और 100 खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। जहां परमेश्वर ने कहा तुम जाओगे मैं तुम्हारे संग होगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से कभी उतरने ना पाए, तुम्हारे चित्त से तुम्हारे मुंह से कभी खत्म ना होने, इससे ना तो दाएं मुंडा ना बाएं मुंडा, इसको गलत प्रीच ना करना, इसको तोड़ना और मरोड़ना मत, जैसा है वैसा रखना तो तुम आशीष पाओगे।